रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, सभी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच, सच मीन्स होता है बहुत। इसका आप यूज करते हैं वेरी के स्थान पर। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर वर्ड होगा सच, इसके बाद आप लगाएंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल भी यूज हो जाएगा जो ए एन डी होता है। इसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप बोलते हैं वो किताब बहुत अच्छा है, दैट इज सच अ गुड बुक। यहाँ पर सच मीन्स आपका हुआ बहुत। इसी वर्ड से वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर सच अ गुड प्लेयर। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर सच अ गुड पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे मेरे पास इन सच अ वे, जिसका मतलब होता है ऐसे, इस प्रकार से या इस तरह से, हम इसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब इन सच अ वे प्लस दैट प्लस सेंटेंस। जैसे कि वो इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया, तो सेंटेंस होगा ही वॉज राइडिंग अ बाइक इन सच अ वे दैट आई गोट अफ्रेड या फिर आई गोट स्केयर्ड। इसी बार से वो इस तरह से टीवी देखती है कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है। सेंटेंस बनेगा सी वॉचेस टीवी इन सच अ वे दैट सी लव्स वॉचिंग टीवी। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इन सच अ वे की मदद से, जिसका मतलब इस पर से होता है। आगे मेरे पास सच एज, जिसका मतलब होता है जैसे कि, आप इसका यूज करते हैं एग्जाम्पल बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सच एज प्लस जो भी बारे में आप बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, उससे आप डॉट डॉट में लिखेंगे। जैसे कि उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि, ऐसे आप बोलते हैं। जैसे ही हैज मैनी फ्रेंड्स सच एज, जैसे कि राहुल, अमन, सुमन, रवि इत्यादि। इसी बार से राहुल के पास कई सारे चीजें हैं, जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। तो सेंटेंस बनेगा राहुल हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप एटीसी। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं सच एज की मदद से, जिसमें आप बताते हैं एग्जांपल जैसे कि से। आगे मेरे पास सच, सच मीन्स होता है ऐसा या फिर इस तरह का। आप बताते हैं सच प्लस नाउन, सच के बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लुरल होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करना या मत करो, तो सेंटेंस होगा डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज। स्टोरीज जो है आपका ये प्लुरल है, क्योंकि ये आपका नाउन है जो सच के बाद आया हुआ है। इसी बार से ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ, सेंटेंस होगा आई हैव कंप्लीटेड सच वर्क्स। अब देखिए यहाँ पर आपका सच, आपका जो नाउन है ये आपका सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर है, और आपका यहाँ पर सेंटेंस में यूज हुआ है एक ऑब्जेक्ट की तरह पर, ऑब्जेक्ट की तरह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे मेरे पास एज सच, जिसका मतलब होता है ऐसा होने के नाते या इसलिए। इसका फॉर्मूला होगा सेंटेंस एज सच प्लस सेंटेंस। दो सेंटेंस के बीच में आप यूज करेंगे एज सच को, जैसे कि वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वो अंदर आ सकता है। सेंटेंस होगा ही इज माई ब्रदर एज सच ही कैन कम इन। इसी बार से राहुल ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं उसका मदद करूंगा। राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन एज सच आई विल हेल्प हिम। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं एज सच की मदद से कई सारे। आगे मेरे पास सच डॉट 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 दैट, जिसका मतलब होता है ऐसा या फिर इतना। दो सेंस में आप इसे यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट प्लस सेंटेंस। एग्जांपल, यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूं, सेंटेंस होगा इट वॉज
इट वॉज सच अ गुड प्लेस दैट आई वॉन्टेड टू गो अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। इस बार से तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। सेंटेंस होगा, यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सून। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, सच यहाँ पर है, इसके बाद आपका दैट यहाँ पर है, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे मेरे पास मोर देन, मोर देन मीन्स होता है से कहीं ज्यादा, से कहीं ज्यादा, दैट मीन्स मोर देन। सब्जेक्ट होगा वर्ब ऑब्जेक्ट, मोर देन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, तुमसे कहीं ज्यादा वो खाना खाता है। सेंटेंस होगा, ही ईट्स फूड मोर देन यू। रवि से कहीं ज्यादा वो पैसे कमा रहा है। सेंटेंस होगा, ही इज अर्निंग मनी मोर देन रवि। से कहीं ज्यादा तो मोर देन रवि, यहाँ पर आपका रवि से कहीं ज्यादा, मोर देन रवि, आपसे कहीं ज्यादा, मोर देन यू, मुझसे कहीं ज्यादा, मोर देन मी, ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे मेरे पास बिन, बिन मीन्स होता है से रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का मतलब होता है से, इतना आपको ध्यान में रखना है। हैज आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो आपका ही से इट सिंगुलर नाउन होता है। हैव यूज होता है आपका प्लुरल के साथ। एग्जाम्पल देखिए, वो बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है, ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इसी बार से तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मीन्स से, और किसी टाइम से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। सच अ काइंड ऑफ, ऐसे प्रकार के। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब सच अ काइंड ऑफ प्लस नाउन। एग्जाम्पल, मैं ऐसे प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ रहा था। सेंटेंस होगा, आई वॉज लुकिंग फॉर सच अ काइंड ऑफ पर्सन। यहाँ पर आपका लुकिंग फॉर मीन्स हो गया आपका ढूंढना। इसी बार से रवि ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता है। सेंटेंस होगा, ऐसी लड़की मतलब कि ऐसे प्रकार की लड़की, तो रवि डजंट लाइक सच अ काइंड ऑफ गर्ल। यहाँ पर ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं सच अ काइंड ऑफ से कई सारे। आगे मेरे पास इफ सो, जिसका मतलब होता है अगर ऐसा है। जैसे कि आप बोलते हैं इफ सो कॉमा वाई, मतलब कि आपका डब्ल्यू एस वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला। तो अगर ऐसा है के लिए होगा इफ सो तुमने झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू टेल अ लाई। Why did you tell a lie? Means तुमने झूठ क्यों बोला। इसी बार से अगर ऐसा है तो वो एक नया मोबाइल क्यों नहीं खरीदता है। सेंटेंस होगा, If so, why does he not buy a new mobile? ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं If so से। If so means अगर ऐसा है। So called means होता है सिर्फ नाम के। जैसे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड। सिर्फ नाम के लिए हम बोलते हैं इसे, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। सेंटेंस होगा, यू आर अ सो कॉल्ड फ्रेंड। इसी बार से वो सिर्फ नाम का एक डॉक्टर है। सेंटेंस होगा, ही इज अ सो कॉल्ड डॉक्टर। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं सो कॉल्ड मीन्स सिर्फ नाम के, नाम के सिर्फ है, काम करने उसे नहीं आता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ नाम का है। आगे हैं लाइकवाइज। लाइकवाइज मीन्स वैसे ही या उसी तरीके से। जैसे होगा, रवि के जैसा ही अंग्रेजी बोलना सीखो, तो होगा लर्न टू स्पीक इंग्लिश लाइकवाइज रवि। इसी बार से उसे देखो और वैसे ही करो। सेंटेंस होगा, लुक एट हिम एंड डू लाइकवाइज। डू लाइकवाइज मीन्स वैसे ही करो। आगे है मेरे पास कम डाउन। कम डाउन मीन्स होता है कीमत घटना, प्राइस लो होना। सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कम डाउन। एग्जांपल देखिए, कीमतें घट रही हैं, प्राइजेस आर कमिंग डाउन। इसी बार से सोना का कीमत घट गया है। सेंटेंस होगा, गोल्ड्स प्राइस
हैज कम डाउन, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। कम डाउन मीन्स कीमत घटना। गेट ऑफ मीन्स होता है किसी वाहन से उतरना, जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट गेट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। गेट आपका वर्ब है, दे टेंस के अनुसार बदलेगा। इसे जब मैं ट्रेन से उतरा राहुल वहां खड़ा था। व्हेन आई गोट ऑफ द ट्रेन राहुल वॉज स्टैंडिंग देयर। इस बार से रवि कल बस से उतरेगा, रवि विल गेट ऑफ द बस टुमोरो। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं गेट ऑफ की मदद से। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।